हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक ऐसा मटेरियल दिखाने वाली हूँ जो कि लिक्विड भी है और सॉलिड भी, जो कि ब्लैक भी है, वाइट भी, और उसका शेप भी है और वो उसका शेप नहीं भी है। तो इतनी अलग टाइप की चीज़ देखने में तो मज़ा आएगा, और ये माइक्रोस्कोप से इतना गज़ब का दिखता है कि देखने में आपको भी मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो है ये, और जो आपको सर्कल सा दिख नहीं रहा अंदर वो, और ये मुझे थर्मामीटर के अंदर मिला था, उसे मुझे तोड़ना पड़ा था। कौन सा थर्मामीटर? कोई, और जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर नहीं होता वो उसी में ये होता है। तो सबसे पहले मैं इसे हाथ में लेती हूँ इस बार, और ये बहुत इसमें इसे एक बार मैं हाथ में लेके देखने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा कहाँ गया यार? देखो ये पार्ट में डिवाइड हो गया दोस्तों। ये ना बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो सकता है, हज़ारों पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है, पर अभी मुझे करना नहीं है। पता नहीं हो क्यों नहीं रहा। देखिए दोस्तों, हम कहाँ नहीं हो रहा है यार। देखिए दोस्तों, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है ना, ऐसे ही हो जाता आता है ना। इसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि ये लिक्विड है ना, और देखने में बट ये सॉलिड लगता है। सही कहा ना मैंने आपको? और चलिए अब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा माइक्रोस्कोप। चलिए इसे पहले मैं ऑन करती हूँ, सेटअप करती हूँ इस पर। इसे ना मुझे ना इस पर डालने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसलिए एक बार लाइक को चलिए मैं इसे रखती हूँ यहाँ। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर दूसरा वाला रख दिया है, और अब मुझे इसे माइक्रोस्कोप पर रखना है, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम काम है। चलिए रखते हैं। तो मैंने इसे ना ऑन कर दिया मैंने, तो चलिए अब देखते हैं। पहले मुझे देखना पड़ेगा मेरी तरफ से इसका। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अलग दिख रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ये हमारा वही मेटल है। लग रहा है धार पे लिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना अलग दिख रहा है, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अलग दिखेगा। तो मैं आपको एक बार नीचे भी दिखाती हूँ कि ऐसा नहीं दिख रहा है, बट नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये एकदम ही थोड़ा सा दिख रहा है। जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो काफ़ी अलग दिख रहा है। आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप भी ये ले सकते हैं। ओके बाय।